तो हम लोग पहुंच गए हैं देखिए मणिनाथ मंदिर पर। मणिनाथ मंदिर का ये मेन गेट है जहां हम लोग पहुंच गए। यहां से हम लोग पैदल उतर के ना आगे जाएंगे। तो देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर, और आपको इस मंदिर के बारे में ही मैं बताती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए बरेली जो है नाथ नगरी में, इसका मणिनाथ मंदिर का ना प्रमुख स्थान है। बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू है, यानी इस मंदिर को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। इसमें एक सिद्ध बाबा ने इसको स्थापित किया था मंदिर को ना, उस समय धर्माचार्य जो थे ना सारे उनको बुलाया गया था। तो जब मंदिर की स्थापना करी तो बाबा ने जो था उसमें शिवलिंग पर साधु संतों से जब जलाभिषेक कराया, तो जब एक महात्मा जब जलाभिषेक कर रहे थे तो उन्हें दूध कम पड़ गया, तो उन्होंने पूजा के लिए जो दूध मांगा ना उनसे सिद्ध बाबा से, तो सिद्ध बाबा ने क्या करा, पास में जो एक कुआ था ना पानी का, उस कुएं के पानी को ही दूध में बदल दिया। अब कुआं मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उस कुएं का जल स्तर इतना बढ़ गया, ऊपर तक दूध आ गया, और उसी दूध के बीच में जो था शिवलिंग प्रकट हुए थे, भोले बाबा जो थे उसमें से प्रकट हुए थे, जिसको इन लोगों ने फिर स्थापना की। मणिनाथ मंदिर नाथ नगरी के उन चार मंदिरों में से एक है जो शहर के चार कोनों पर स्थित हैं। ये जो चार कोनों पर भगवान बने हुए हैं ना, मंदिर बने हुए हैं नाथ नगरी के, तो उनमें से चार में से चौथे जो हैं यही हैं। और इस मंदिर में जैसे आपको चार पता है, धोपेश्वर नाथ, तपेश्वर नाथ और बनखंडी नाथ प्रमुख हैं। ये मंदिर जो हैं इसमें जो ये पैदा हुए हैं ना मंदिर, और इसमें भगवान तो ये अपने आप आए हैं। एक मणियुक्त नाग जो था ना शिवलिंग की रखवाली करता था। मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि यह मणिधारी नाग शिवलिंग की रक्षा करता था। तो मंदिर के परिसर में ही रहने वाले एक बाबा ने बताया कि कई बार जब मणिधारी नाग ने अपनी मणि बाहर निकाली तो उससे रोशनी उत्पन्न होती थी। तो बाद में बताया गया कि इस नाग ने मंदिर परिसर के एक बहुत ही खराब हो चुके कमरे में डेरा डाल रखा था। अब पिछले दिनों जब इस कमरे में से कूड़ा निकालने के लिए लोग गए तो उन्हें नाग का सामना करना पड़ा। इस पर उस कमरे को इन्होंने ऐसे रुकवा दिया है, उसका ना कुछ भी नहीं, जीर्णोद्धार कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसे रोक दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर ना अभी भी वो नाग है। और जो ये मंदिर है ना, इसके पुजारी जो हैं धर्मेंद्र गिरी बताते हैं कि प्राचीन कुएं से 1960 तक दूध निकलता था। 1960 तक इस कुएं के अंदर अगर सफाई कराई जाए, और उसके अंदर से कितनी सफाई करा दो उसके अंदर से ना फिर भी दूध की महक आती है। नगर निगम ने कई बार इसकी सफाई कर दी लेकिन उस कुएं के अंदर से दूध की महक आती है, तो इसलिए उस कुएं को सफाई बंद करके ऐसे रोक दिया गया है। और मणिनाथ मंदिर में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं, और शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और गिरी संप्रदाय के पुजारी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और मंदिर की देखभाल करते हैं ना, तो धर्मेंद्र गिरी यहाँ के वो हैं पुजारी। तो ये मंदिर बहुत मान्यता रखता है। तो चलिए आप लोगों को अंदर से मंदिर के दर्शन कराते हैं, देख लीजिए आप लोग भी क्या क्या है मंदिर में कैसे हैं। तो यही वो पिंडी है, यानी कि यही वो शिवलिंग है जो स्वतः ही प्रकट हुए हैं और इस समय यहाँ विराजमान है। इन्हीं की पूजा हो रही है और उन्हीं की कृपा से इस समय हमें दर्शन करने का इतना अच्छा मौका मिला है। तो आप लोग भी देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ी भीड़ है तो पूजा पाठ हो रही है, इस वजह से मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि आगे पीछे से ना लोग धक्का मारते हैं जल्दी पूजा करने के लिए। मैं कोने में खड़े होकर वीडियो बना रही थी ये, तो ये देखिए जितना सीन आ रहा है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये पूजा हो रही है, ये रहे भोलेनाथ बाबा, ये देखिए पूजा कर रहे हैं सब लोग मिलकर, और हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बस ये अच्छा है कि मुझे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा व्यू मिल गया है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ इस तरह से भोलेनाथ की, और आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। तो दर्शन कीजिए आप लोग।
ये है मणिनाथ बाबा, आप लोगों ने दर्शन किए, कैसे लगे बताइएगा मेरे को। देखा आप लोगों ने, आप लोगों के सारे से हम यहाँ बहुत ज़्यादा दर्शन होते जा रहे हैं भोले बाबा के। और ये सावन का महीना होता है इसीलिए ना, अपना मन शुद्ध करने के लिए। एक बार और देख लीजिए आप लोग मंदिर, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलिए बाबा, आप लोगों ने दर्शन किए, कैसे लगे बताइएगा मेरे को। देखा आप लोगों ने, आप लोगों के सारे से हम यहाँ बहुत ज़्यादा दर्शन होते जा रहे हैं भोले बाबा के। और ये सावन का महीना होता है इसीलिए ना, अपना मन शुद्ध करने के लिए। एक बार और देख लीजिए आप लोग मंदिर, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलिए, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा मंदिर और मंदिर के इतिहास के बारे में जान के। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली बार और बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू, शंभू महादेवा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।